हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या है भाई, कमेंट में जाके जरूर बताना, क्योंकि यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का मतलब जरूर पता होना चाहिए। तो कमेंट में जाके बता देना और फिर अगले एपिसोड में फिर मैं ही बता दूंगा, ठीक है। तो यार पिछले एपिसोड में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करी थी, वो भी दो मेथड से। एक था अपना हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि एनसीईआरटी बुक से है, और दूसरा है शॉर्ट ट्रिक मेथड जो कि मैंने आपको बताया था। अब यार जिसने भी शॉर्ट ट्रिक मेथड को मिस कर दिया है तो यार जल्दी से आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को जाके देख लो, बहुत सही है यार, देख लो, ठीक है। अब आज के वीडियो में और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो गाइस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि अगर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो वो बहुत सही हो जाएगी। तो देखो साइंटिस्ट्स ने भी यहाँ तक की यूज करा है, जैसे कि अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हम उन्हें क्लासिफाई करके पढ़ते हैं तो उनको पढ़ना और उनके बारे में जानना आसान हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब केमिकल रिएक्शंस भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो अगर हम उन्हें क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ना, उनके बारे में समझना वो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया है, और आज से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यार अब मैं आपको बताऊं कि कितने टाइप पढ़ेंगे अपन केमिकल रिएक्शंस के। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस नाम से ही पता पड़ रहा है, मतलब कोई चीज कंबाइन हो रही होगी, राइट, ठीक है। अब आएगा हमारा दूसरा टाइप, है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एक टाइप इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इन दोनों रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेस होगी, तो इन दोनों रिएक्शंस में वो पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा मेन रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि आगे की क्लासेस में भी काम आने वाला है, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे और उसका आयोनिक कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको उसके शब्द से ही पता चल रहा होगा, ठीक है, मतलब वहां पे है कॉम्बिनेशन, यानी कोई चीज कंबाइन हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा जो है रिएक्टेंट हो सकते हैं LHS साइड में जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और वो क्या है कंबाइन होंगे, ठीक है, कंबाइन होकर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है, वो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक अगर मैं जनरल लेके चलूं फॉर्म ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है, ए प्लस बी गिव्स ए बी, यानी कि यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया ए बी। तो यहाँ पर ए और बी थे सिंपल सब्सटेंस, सिंपल इसलिए बोला क्योंकि ये क्या अलग अलग है और सिंपल ही है, ठीक है। अब ये कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, या कोई जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, वो दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, वो होगा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये रिएक्शन तीन टाइप से हो सकता है, ठीक है, ये रिएक्शन तीन तरह से हो सकता है, कैसे,
कि या तो एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, एलिमेंट और एक और एलिमेंट दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाएंगे। और तीसरा यह है कि एक कंपाउंड और दूसरा भी कंपाउंड कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, यानी कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट विल गिव कंपाउंड, या फिर एलिमेंट प्लस कंपाउंड विल गिव कंपाउंड, या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड विल गिव कंपाउंड, ठीक है। तो तीन तरह से हो सकता है रिएक्शन। तो सबसे पहला लेते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, और इसमें मैं एग्जांपल लूंगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो यहां पर अगर हम कोई मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है, और उसको बर्न करेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया एलिमेंट और ऑक्सीजन भी हो गया एलिमेंट, तो दोनों अगर मैग्नीशियम को जलाएंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट, और ये मतलब कंपाउंड है, ठीक है, वो दोनों एलिमेंट थे और ये कंपाउंड है। तो अब दूसरा टाइप का रिएक्शन लेते हैं। दूसरा टाइप है अपना एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन, एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड। तो यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है या रिएक्ट करता है, तो वो दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जांपल एलिमेंट प्लस कंपाउंड जो कि फॉर्म कर रहा है कंपाउंड, ठीक है। तो पहला देखा हमने एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, दूसरा देखा एलिमेंट प्लस कंपाउंड विच गिव्स कंपाउंड, अब देखते हैं तीसरा जो कि है कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, यानी कि दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। तो इसमें मैं एग्जांपल लूंगा कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, और जो मतलब चूना होता है, ठीक है, मतलब जो वाइट वॉशिंग के काम आता है, तो वो चूना है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब उसको या उसमें जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो बहुत सारी, एक तो हीट इवॉल्व होती है, जो फॉर्म होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मूला, और पानी डालने के बाद वो फॉर्म होता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी इवॉल्व होती है, तो इसीलिए उसमें थोड़े थोड़े करके, मतलब धीरे धीरे करके पानी डाला जाता है, वो भी उसको स्टिर करते हुए, ताकि ज्यादा एकदम से हीट इवॉल्व ना हो, ठीक है, नहीं तो बहुत हीट अगर इवॉल्व होगी तो मतलब एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उछल उछल कर आएगा उसमें से, ठीक है, तो स्किन बर्न्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मतलब उसमें धीरे धीरे करके पानी डाला जाता है, वो भी स्टिरिंग करके, जैसे कि डाइल्यूशन में किया जाता है ना, एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जाता है। तो ये हो गया अपना कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड वाला। अब यहाँ पर देखो वाइट वॉशिंग की प्रोसेस क्या रहती है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाती है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाइट वॉश करते हैं वॉल्स पे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसके साथ रिएक्ट करकर फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट। और दो तीन दिन बाद, मतलब जैसे कि हमने वाइट वॉश किया, तो आज से दो तीन दिन तक वो थोड़ी और शाइन करने लगेगी, वो वाइट वॉशिंग जो हमने वाइट वॉश किया था वो थोड़ा और शाइन करने लगेगा, और वो इसी वजह से, क्योंकि
वहां पर फॉर्म हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्शन किया उसने और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लिया, तो वो थोड़ा बहुत और ज्यादा साइन मारेगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली होता क्या है, कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आपने नोटिस किया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होता है तो हीट हीट इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के उसमें देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला तो हीट इवॉल्व हुई, हीट बाहर निकली। ठीक है, और मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल बताया था वो था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन। तो कभी भी कंबशन होगा तो वहां पर भी हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली हीट इवॉल्व होती है, और दोज रिएक्शंस इन विच हीट कम्स आउट या इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन देन दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी कि बाहर निकलना, और थर्मिक यानी जो कि थर्मल या हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हीट जहां पर बाहर निकले एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अब हम चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस की अगर मैं डेफिनेशन सबसे पहले बताऊं तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कॉम्प्लेक्स सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये हो जाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बिल्कुल ऑपोजिट है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन यानी कि किसी भी कंपोजिशन का टूटना, डीकंपोज होना यानी किसी भी चीज का टूटना। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो यहां पर ऑपोजिट ए बी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर सब्सटेंस टूटेगा, सिंपल सब्सटेंस देगा और ए प्लस बी दे देगा, तो ए बी गिव्स ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई चीज टूटेगी और सिंपल प्रोडक्ट देगी, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो डीकंपोजिशन रिएक्शन को। तो एग्जाम्पल लूंगा मैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि फॉर्म हुई थी अभी पिछले रिएक्शन में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा था, जब हमने वॉल व्हाइट वॉश की थी तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थे उनमें क्या हो रहा था, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, हीट एनर्जी बाहर निकल रही थी। और डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी किसी चीज को टूटने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आइस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनको लूज करने के लिए, उनको कम करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो मतलब फोर्स कम करना पड़ेगा, और उसको कम करने के लिए हीट एनर्जी कहीं से फोर्स एनर्जी प्रोवाइड तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन में, डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई चीज टूटेगी तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जहां पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, जिन रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, वो रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो यानी कि अंदर जाना, थर्मिक यानी कि थर्मल, हीट से रिलेटेड। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोवाइडेड, हीट और दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर, और डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसी एनर्जी की जरूरत की बेसिस पे
एनर्जी के प्रोवाइड करने के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं तीन टाइप्स के, मतलब अब उन्हें एनर्जी हीट के फॉर्म में मिल रही है, लाइट के फॉर्म में मिल रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल रही है। तो इस बेसिस पे ये होंगे तीन टाइप्स के। सबसे पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में हो, या वहां पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो हो हीट। तो वो एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था, CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CaO एंड CO2। अब यहां पर जो CaO फॉर्म हुआ है वो इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है। कैसे? ये CaO काम आता है सीमेंट्स बनाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हुआ ही है, ठीक है। तो मतलब ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है थर्मल डिकम्पोजिशन, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। दूसरा टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो हो लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। अब वो लाइट बल्ब से भी हो सकती है और सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि लाइट मिलनी चाहिए, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल लूंगा मैं सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। AgCl को अगर हम लाइट में रखते हैं तो वो Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो AgCl है ना भाई, वो AgCl होता है व्हाइट इन कलर। अब अगर आप उसको लाइट में रख देना, ठीक है, अगर आप पे हो तो भाई लाइट में रख देना AgCl। तो लाइट में जब रखोगे तो वो सिल्वर जो था वो अलग हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा अलग, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो सिल्वर है उसका होता है ग्रे कलर, तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, और क्लोरीन तो निकल ही जाएगा। अब देखो गाइस, ये रिएक्शन भी यूजफुल है। ये रिएक्शन काम आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज निकाले जाते हैं ना उनमें ये रिएक्शन काम आता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब ये आपका काम है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उसकी टेक्निक क्या है, उसे कैसे किया जाता है आपको पता लगाना है, ठीक है। क्योंकि कोर्स में दिया नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो बताऊं तो यार कमेंट में जाके बता देना, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पर प्रोवाइड की जा रही हो और कुछ चीज डिकम्पोज हो रही हो, यानी कि वहां पर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा वाटर का। वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो वाटर H2O, यहां पर हाइड्रोजन के हैं दो पार्ट्स, ऑक्सीजन का है एक पार्ट। अब यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन को ले लो, मतलब दो वो लेंगे कैथोड और एनोड, उसमें डालेंगे पानी। देखो सबसे पहले बीकर ले लो, पानी डाल लो, और कैथोड ले लो, एनोड ले लो, ठीक है, और दो टेस्ट ट्यूब रख दो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उस पानी में, तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब वो आयोन्स में डिकम्पोज हो जाएंगे, और वो जब आयोन्स में डिकम्पोज हो जाएंगे तो कैथोड पे जाएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो H प्लस जाएगा कैथोड पे, और O माइनस, जो मतलब O2 माइनस या जो भी बोलो O माइनस ही होगा, तो O माइनस जाएगा एनोड पे, एनोड होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब है, तो दो जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब होगा ना वहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, और जो एनोड वाला टेस्ट ट्यूब होगा वहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस से डबल होगी। भाई इक्वेशन से ही पता पड़ रहा है ना यार, H2O है, यानी हाइड्रोजन का है दो पार्ट और ऑक्सीजन का है एक पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार हाइड्रोजन डबल होगी और ऑक्सीजन सिंगल, मतलब सॉरी ऑक्सीजन कम होगी हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आप
करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज याद रखने की ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। देखो कैसे, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह रहा है कि भाई यार अगर तू कंबाइन कर रहा है, अगर ये रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहा है तो मैं रिएक्टेंट को तोड़ूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि ये रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये बोल रहा है मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट करूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। ये बोल रहा है कि भाई मैं एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करूंगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है जनरल फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पर, वही ए प्लस बी गिव्स ए बी, एंड ए बी इधर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ए बी गिव्स ए प्लस बी, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, दोनों कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, और यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होगा टूटेगा और ए प्लस बी फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट मेन पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पर भी इन दोनों की दुश्मनी साफ नजर आ रही है कि भाई यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है, तो ये कह रहा है मुझे हीट चाहिए है? मतलब यहाँ पर ये क्या है, हीट इवॉल्व कर रहा है, तो ये कह रहा है अगर ये हीट इवॉल्व करेगा तो मुझे हीट चाहिए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक यानी कि जहां पर हीट बाहर निकले इवॉल्व हो तो वो रिएक्शन हो जाएंगे एक्सोथर्मिक, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एंडोथर्मिक का अगर मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखें तो ये एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि या इनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स मतलब टूटना है किसी चीज को तो एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो बस वही चीज है कि एंडोथर्मिक होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन H2O गिव्स H2 प्लस O2। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो यार। जो भी बंदा इस चैनल पर नया हो, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ तुम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के जैसे दुश्मनी रखो या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब गाइस यार इस वीडियो को इतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और शॉर्ट ट्रिक मेथड वाली वीडियो को भी देख लेना एक बार से जिनने मिस कर लियो, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, आपके डाउट को मैं या तो वहीं पर सॉल्व कर दूंगा या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और उसका आंसर जरूर देना व्हाट इज केमिस्ट्री, और फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।